नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तरी को यहाँ हम निर क्रमबद्ध हल कर रहे हैं मेरी जो फर्स्ट क्लास थी जो कि आपको शिफ्ट वन का पेपर था वो मैं करवा चुकी हूँ जो कि सोलह नवम्बर को हुआ था सोलह नवम्बर दो शिफ्ट सेकेंड का पेपर भी आपका सोलह नवम्बर दो को हुआ था आज हम पढ़ेंगे फिफ्ट थर्ड का पेपर यहाँ आप देख रहे हो हम एस एस की कॉन्स्टेबल भर्ती की परीक्षाओं की आपके एम हल कर रहे हैं जो कि आज है हमारा थर्ड का एक, आपका परीक्षा का पेपर तो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर चलिए समय ना गवाते हुए हम हमारी क्लास की तरफ चल भरते हैं चलिए जो हमारा एस एस में जो फर्स्ट प्रथम पहला प्रश्न आया है वो है आपके पास रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें यानी आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर उसको आपको इन चार विकल्प में से भरना है कि क्या आएगा चलिए प्रश्न पढ़ते हैं शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक हस्तगत की हस्तगत नहीं होगा प्रदान की प्रदान भी नहीं होगा दान की दान दूसरों को किया जाता है और आपके ये आएगा आपके भेट की ये आएगा आपका भेट भेट की दोबारा देखिए आपका जो प्रश्न है शिक्षा दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की तो यहाँ आपका उत्तर आएगा उत्तर नंबर यहाँ पर सही माना जाएगा सी आपका यहाँ पर उत्तर सही है आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कृपण का विलोम शब्द होगा कृपण देखिए जब विलोम शब्द पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आते हैं तो पहले उसका हमको अर्थ पता होना चाहिए यदि हम उस शब्द का अर्थ हमें पता होगा तभी हम उसका उत्तर देख पाएंगे तो देखते हैं कृपण ये शब्द है आपके पास कृपण कृपण का शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास पण कृपण का होता है कंजूस कृपण का क्या होता है कंजूस और इसी का एक समानार्थी शब्द की बात करें तो एक शब्द कृपाण कृपाण जब अपन शादियों में देखा तो दूल्हा छोटी सी तलवार लेके आता है उसके शेरवानी में सामने लगी रहती तो है उसे क्या बोलते हैं कृपाण जैसे हम कह सकते हैं छोटी तलवार तो यहां हमें दो शब्द देखने को मिले हैं एक तो है कृपण कृपण यानी कंजूस और यानी छोटी तलवार छोटी तर्पाण तो हमें कृपण का मिल गया है कृपण का क्या है कंजूस तो कंजूस का विलोम देखना है कंजूस का विलोम क्या हुआ दानी, दान देने वाला उदार महान तो इसमें आप देखिए कर्मठ कर्मठ नहीं होगा कठोर भी नहीं होगा सरल भी नहीं होगा और दाता दाता या फिर हम कह सकते हैं इसका होगा दानी दानी दाता उदार उदार ये सब किस क्या है आपके कृपण के पर्याय हैं क्या है कृपण के पर्याय वाची दाता दानी उदार सरल का कठोर का नहीं होगा कर्मठ नहीं होगा सरल भी यहाँ पर नहीं होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए प्रश्न है आपके सामने दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें समानार्थी देखिए समानार्थी वैसे समानार्थी शब्द को हम आम भाषा में पर्यायवाची के नाम से जानते हैं बहुत सी बार क्या कंफ्यूज करने के लिए बहुत बच्चा के टंग पे ही पर्यायवाची शब्द जमा हुआ है वो समानार्थी शब्द भ्रमसा हो जाता है कि ये क्या आ गया तो पहले तो समानार्थी का देखते हैं पर्याय पर्याय वाची और हमें देखना पर्यायवाची तो हमारे दिमाग में बना हो पर्यायवाची क्या है तो पर्यायवाची किसका बाण का किसका बाण का तो बाण का क्या हो तने नहीं होगा तने यानी क्या होता है पुत्र होता है दहन दहन यानी संस्कार करना आग में किसी का दह संस्कार करना दहन दह संस्कार अगम अगम यानी जहां पहुंचा ना जा सके जहा पहुंचा ना जा सके अगम गम यानी चल जाना और आ यानी नहीं जहां पर आप पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं अगम तो हमें देखना है पर्यावाची किसका बाण का बाण का पर्यावाची है नार नाराज क्या है नाराज इसका एक और होता है शर क्या है शर ऋषिमुख ऋषि मुख ऋषि मुख ठीक है ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके बाण के पर्यायवाची हैं है तो उत्तर नंबर आपका क्या सही होगा उत्तर नंबर एक यहाँ पर सही माना जाएगा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए देखिए पर्यायवाची अब देखिए पर्यायवाची शब्द दे दिया यहाँ पर समानार्थी शब्द नहीं दिया गया है पर्यायवाची यानी पंकज का पंकज किसका पर्यायवाची है सभी बहुत अच्छे तरह जानते हैं पंकज कमल का पर्यायवाची है किसका है पंकज 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 का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पंक धन पंक का अर्थ होता है कीचड़ <coughs> क्या है कीचड़ कीचड़ यानी कीचड़ जा यानी जन जो कीचड़ में जन्म लेता है वो क्या है पंकज क्या है पंकज तो कीचड़ में क्या जन्म ले रहा है कमल चलिए और देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं भाई नीरज भी हो सकता है नीरज नीर यानी पानी जा यानी जन्म नीर यानी क्या है पानी और जा यानी क्या है जन्म और क्या हो सकता है भाई वारिज भी हो सकता है वारिज वारी धन जा वारी यानी भी क्या होता है पानी होता है और जान यानी क्या है और क्या हो सकता है अंबुज भी हो सकता है अंबुज अम्बू अंबु यानी पानी जा यानी जन्म और क्या हो सकता है सरोज भी हो सकता है क्या हो सकता है सरोज भी हो सकता है सरोज सर सर धन ज सर धन ज सर यानी तालाब ज यानी जन्म लेना जो तालाब में जन्म लेता है वो कौन कमल तो आपके इस तरह भी हम पर्यायवाची शब्दों को बना सकते हैं देख सकते हैं याद कर सकते हैं ठीक है कितने बताए हमने देखिए नंबर एक लिखा हमने पंकज फिर कमल नीरज सरोज अंबुज अंबुज फिर क्या आया बारिज ठीक है तो इस इतने सारे तो हमारे पास हो गए तो ये किसका है आपके पास पर्यायवाची पंकज के पर्यायवाची हैं चलिए आगे चलते हैं हमें हमारा उत्तर मिल चुका है उत्तर नंबर सी यहाँ पर सही माना जाएगा उत्तर नंबर सी यहाँ पर क्या है सही माना जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो तो आपका पांचवा प्रश्न है वह है आपके सामने सही वर्तनी देखिए सही वर्तनी वाले जब शब्द आते हैं ना उनमें शब्दों को बहुत गौर से देखने की जरूरत होती है हिंदी तो सब्जेक्ट ही आपके टॉपिक प्रश्न ऐसा है जहाँ पर आपको चीजों को बहुत ही गौर से देखने की आवश्यकता है तो जब तक आप गौर से नहीं देखोगे आपके उत्तर वहां पे गलत है चलिए स्थायित्व तो अब देखिए यहाँ पे ई आ रहा है वैसे अगर देखे तो प्रश्न सही है उत्तर सही है अगर मैं ई को छुपा दू तो ये प्रश्न आपका सही है अगर इस ई दिख रही है तो ये गलत इसी तरह स्थायित्व नहीं होगा या का आगमन होगा स्थायित्व में छोटी की मात्रा और हमने कहा जैसे मैं ई को छुपाती हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है स्थायित्व ठीक है तो ये क्या बना आपका उत्तर नंबर डी यहाँ पर सही माना जाएगा तो ये सही है आगे बढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी वाले में शब्द में खून का घूट पीना मुहावरे का सही अर्थ है यह है आपका प्रश्न नंबर छ तो आपका मुहावरे को देखना है हमें अत्यंत क्रोधी क्रोधित होना बी ऑप्शन है आपके पास भयभीत होना घृणा करना या गुस्सा पचा जाना खून का घूट पीना खून का घूट पीना अत्यंत क्रोधित होना ये तो नहीं होगा गुस्सा पचा जाना तो उत्तर नंबर आपके क्या सही है उत्तर नंबर यहाँ पर आपके पास डी सही माना जाएगा खून का घूट अपन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो अपन क्या कहते हैं गुस्से को पीने के लिए गुस्सा पी गए अपन क्या ना गुस्सा को पी गए तो खून का घूट पीना आगे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो आपके पास प्रश्न है वह है आपके पास प्रश्न संख्या सात पे हम आ चुके हैं लिए मुझे आशा है, आपको ये एम सी क्यू या विगत परीक्षा से संबंधित जो हम हल करा रहे हैं वो तो आपको पसंद आ रही होगी अपनी पसंद और नापसंद हमें लाइक करके बताइए अपने कमेंट द्वारा हमें बताइए कि आपको ये कितनी पसंद आ रही है जब तक आप हमें लाइक नहीं करेंगे आपके भावनाओं को हमारे हमें पता नहीं चलेगा कमेंट के द्वारा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं चलिए चलते हैं हम साथ में प्रश्न पर दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें ठीक है तो यहाँ पे हमें रेखांकित जो अंश दिया गया है रेखांकित अंश क्या है आपके पास गए और पर को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विकल्प का चयन करें चलिए मोहन गए पर वह उठ गया मोहन दौड़ने पर नहीं बैठ रहा सेंटेंस मोहन के मरने पर वह उठ गया यह भी सेंटेंस नहीं बैठ रहा मोहन के जाने पर वह उठ गया मोहन के उठने पर वह उठ गया नहीं ये आपका उत्तर क्या आ रहा है मोहन के जाने पर मोहन के जाने पर वह उठ गया कितनी बार कितनी ऐसा होता है ना जब अपन आराम से टीवी देखते रहते हैं और अपन को पता चल गया, गया।, गया पापा के आने का टाइम होता तो है टीवी बंद यानी पिताजी के आने पर वह उठ गया पिताजी के आने पर क्या हो गया वह उठ गया तो इस तरह का ही ये सेंटेंस है मोहन के आने पर वह उठ गया मोहन के जाने पर मोहन के जाने पर वह उठ गया तो उत्तर नंबर यहाँ पर हमारा सी सही है चलिए आगे चलते हैं चलिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें चलिए शिशु और अबोध होता है शिशु रिक्त स्थान और अबोध होता है शिशु अल्पक होता है अल्पक यानी पहले तो हम इनका अर्थ देख लेते अल्पक देखिए अल्प और क्या दो शब्दों से मिलके पता है क्या क्या अर्थ होता है जान का क्या का अर्थ क्या है जान का कुछ थोड़ा बहुत तो जानता है अल्प यानी होता है थोड़ा तो यहां आपका अर्थ होता है अल्पक जानता है लेकिन थोड़ा बहुत अल्पग बहुग यानी बहुग बहु धन क्या क्या यानी जानना क्या यानी ज्ञान बहु यानी बहुत बहुत जानना भिग, भिग यानी अत्यंत ज्ञाता होना गया यानी जानना भिग यानी बहुत अत्यंत भी यानी अत्यंत कुशल होना भी यानी कह सकते हैं हम कुशल जानकार बिग्गे कुशल जानकार है वो तो ये शब्द किसके अलग वे कुशल जानकार के लिए शब्द बनेगा आपके भिग्ग और यहाँ अज्ञ आ धन क्या आ का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं क्या यानी जानना छोटा बच्चा क्या जानता है शिशु क्या जानता है कुछ भी नहीं जानता अबोध होता है अज्ञ होता है कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो क्या होता है अपन ये इसी तो हम कहते हैं छोटा बालक क्या होता है बिल्कुल नादान होता है कुछ भी समझ में नहीं आता तो यहाँ आपका उत्तर आएगा अज्ञ okay. तो उत्तर नंबर यहाँ हमारा सी सही माना जाएगा चलिए आगे आ जाते हैं दिए गए वाक्य प्रश्न संख्या नौ पे हम आ चुके हैं ठीक है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए या एक शब्द दीजिए एक शब्द यानी ये एकल शब्द की यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ एकल शब्द की बात हो रही है अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है क्या कहलाती है धरोहर मान लीजिए कोई कहीं गया है और अपना कीमती सामान आपके पास रख गया तो वो क्या है आप उसकी धरोहर है क्या है धरोहर अपनी बहुमूल्य चीज को आपने पास आपके पास हिफाजत के लिए रख गया है तो उसकी क्या है वो धरोहर है तो धरोहर शब्द यहाँ पर आएगा उत्तर नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा उत्तर नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए अगर आपको मेरी क्लासे पसंद आ रही हैं जिनके पास भी भाई लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें भूलें इसी से ही हमारे टाइम टू टाइम आपके पास मोटिवेशन आता रहेगा ये ये जो मेरी एसएससी जीडी से संबंधित क्लासेस चल रही हैं वो क्रमबद्ध आपके पास आती रहेंगी और जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या जिसके छोटे बहन भाई जो परिवार में जो भी इससे संबंधित तैयारी को करना चाह रहा है उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है इस सपने सरकारी नौकरी पाने के सपने पूरा करने के। ये क्योंकि दसवीं पास भर्ती है बीस, बीस 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 नंबर के आपके बीस प्रश्न आएंगे बीस प्रश्न आएंगे चालीस नंबर के प्रश्न होंगे यानी प्रत्येक जो अंक होगा यानी आप देखिए हिंदी 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 आपकी बीस प्रश्न होंगे बीस क्या होंगे प्रश्न होंगे कितने अंक के होंगे चालीस अंक के होंगे हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लेना है हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लेना या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या आप हिंदी ले लीजिए बीस प्रश्न होंगे कितने होंगे चालीस नंबर के यानी आपके पास चालीस नंबर हैं ध्यान पूर्वक यदि पढ़ोगे चलिए फिर बात कर लेते हैं हम गणित की फिर हम बात किसकी करते हैं गणित की गणित के भी हमारे पास बीस प्रश्न हैं और कितने नंबर के हैं चालीस फिर क्या आ जाती है फिर आती है आपकी रीजनिंग रीजनिंग के प्रश्न आएंगे रीजनिंग के भी आपके पास बीस प्रश्न आएंगे वो भी चालीस के और फिर आती है आपकी जर्नल नॉलेज और इसी में ही आपके आएंगे करंट अफेयर के प्रश्न करंट अफेयर के प्रश्न भी यहाँ पे आएंगे इसी भी ये भी आपके बीस आएंगे और ये भी आपके कितना रहेगा चालीस नंबर का, का। यानी आपके पास एक दो तीन और चार यानी आपके पास अस्सी नंबर प्रश्न होंगे कितने नंबर के 160 नंबर यानी 160 नंबर आपके पास खुद हैं आपको पता है, पहले का जमाना ऐसा था जहाँ किताबें भी मुश्किल से मिलती थी कोचिंग भी बच्चा बहुत बहुत कर, मुश्किलों से कर पाता था लेकिन आज का दौर ऐसा है हम घर बैठे आपके पास आ रहे हैं ठीक है आपको क्या करना है लाइक करना है और आई बेलकन को दबाना है जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे हमारी क्लासें आप तक पहुंचती रहे ठीक है और आप कमेंट द्वारा अपनी भावनाओं को हम तक व्यक्त कर सके तो यानी आपके अस्सी प्रश्न आएंगे एक नंबर के होंगे कोई भी टॉपिक पे छूटेगा नहीं सारी चल रही हैं प्रश्नों में आपके कंप्लीट हिंदी अगर मैं मेरी बात करूं हिंदी की तो कंप्लीट इसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप सुचारू रूप से ध्यान पूर्वक अध्ययन करोगे तो बेटा ध्यान अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और आप सोचो भाई चलो शादियाँ चल रही हैं ये चल रहा है वो चल रहा है भाई तो, तो अगर आप रही जाओ फिर इनमें तो आप रही जाओ क्योंकि बहुत समय से हम एस एस सी जी डी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे और एस एस का जो नोटिफिकेशन आया है ये एस एस का नोटिफिकेशन आने से यूं समझिए बहुत सारे जो लोगों के सपने थे वो साकार होने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पहले ये प्रश्नों की संख्या प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक उसमें आपके तो प्रकरण में पच्चीस प्रश्न आते थे और पच्चीस प्रश्न आपके दो नंबर का होता था ठीक है तो इस तरह के आपके उसमें कट ऑफ बनने की चांसेस कम रहते थे लेकिन आपके यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास ही आपकी आपकी सफलता का मूल मंत्र है आपके पास तो आप मुझे नहीं लगता आप इस मौके को गवाना चाहिए मौके को आपको बुनाना चाहिए हम कम रोजाना आपके पास आते रहेंगे और नियमित रूप से आपके तैयारी में आपके बनने के लिए चलिए और अगर फिर भी आप पहले तो मैं यहाँ आपको विगत परीक्षाओं के एमसीक्यू हल करा रही हूँ और अगर आप मेरी क्लासों को इस पर देखना चाहते हैं तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए वहां आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रकरण आपको मिल जाएंगे वहाँ मैंने बहुत ही विस्तार से और आराम से सबको पढ़ाया हुआ है क्रिया ले लीजिए संज्ञा ले लीजिए संधि हुआ समास हुआ विकारी अविकारी शब्द हुए सब मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है चलिए समय ना गवाते हो हम हमारी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं हम पढ़ रहे थे यहाँ पर हम हम दसवें प्रश्न पे आ चुके हैं तो देखिए 80 प्रश्न आएंगे 160 नंबर के बहुत ही शानदार भर्ती है तो मुझे नहीं लगता इसको गवाना चाहिए भी घर में छोटे बहन भाई है या बच्चे हैं इस उम्र के कि भाई हाँ इस भर्ती को दे सकते हैं तो भाई देने का मौका ना छोड़ें देने का मौका ना छोड़ें तो बहुत शानदार प्रश्न आएंगे मेंटलिटी आएगी दसवीं पास की आएगी सब चीज आपको तो मुझे नहीं लगता इसको छोड़ना चाहिए आगे बढ़ते हैं हम हाँ मैं प्रश्न का तो मैंने हल कराया नहीं देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए जाती है जाती है का विलोम होता है आपका वी जाती है क्या होगा वी जाती है तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर सी सही माना जाएगा आगे बढ़ते हैं हम दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें पृथ्वी का रूप गोल है भाई रूप गोल नहीं होता पृथ्वी का आकार होता है पृथ्वी का प्रारूप प्रारूप नहीं रूप रूप किसी व्यक्ति विशेष का होता है किसी व्यक्ति विशेष का होता है पृथ्वी का नहीं तो पृथ्वी का रूप पृथ्वी क्या है पृथ्वी का आकार गोल है पृथ्वी का आकार क्या है गोल है तो यहाँ उत्तर नंबर डी यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए प्रश्न संख्या हम बारह पे पहुंच गए हैं धन से संबंधित रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा धन धन क्या है धन का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अर्थ ग्रहण करना अब मैं आपको पढ़ा रही हूं अर्थ ग्रहण करने के लिए तो पढ़ा रही अर्थ यानी धन धन यानी हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आप अर्थव्यवस्था जानते यानी आपकी धन से संबंधित व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था शास्त्र नहीं आएगा भौतिक शास्त्र नहीं आएगा अर्थशास्त्र नहीं आर्थिक और आर्थिक कैसे बना देखिए धन से संबंधित संबंध रखने वाला अर्थ अर्थ में प्रत्यय जोड़ने पर क्या आया एक प्रत्यय जोड़ने पर जब आपका एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण की ध्वनि में आपके आ आएगा और आपका ई की मात्रा आपका ऊपर शब्द बना आपका ये शब्द बनाने का आपका आर्थिक अर्थ अर्थ यानी धन धन से संबंधित धन से संबंधित रखने वाला धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है आर्थिक कहलाता आर्थिक बना कैसा है मूल शब्द क्या है ये मूल शब्द है ये क्या है मूल शब्द है क्या अर्थ एक क्या जुड़ रहा है एक प्रत्यय है एक क्या जुड़ रहा है एक प्रत्यय जुड़ रहा और एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा आर्थिक क्या बनेगा आपके आर्थिक शब्द बनेगा क्या बनेगा आर्थिक आ में ई जुड़ने से इसकी प्रथम वर्ण की जो ध्वनि होती है आ में आपका परिवर्तन होता है आ यदि शब्द आता है आपके पास भूत शब्द आया आपके पास भूत यदि मैं एक प्रत्यय जुड़ूंगी तो ये उ आपके में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द क्या बनेगा आपके पास भौतिक क्या बनेगा भौतिक समझ में आ गया तो ये हमारा क्या है प्रत्यय से संबंधित आपके पास प्रश्न है भाई इस चीज की जानकारी आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे तभी आपको मिल पाएगी क्योंकि यदि मात्राओं में एक प्रत्यय जोड़ने पर या प्रत्यय जोड़ने पर अप्रत्य जोड़ने पर मूल शब्द में क्या परिवर्तन होता है बच्चा क्या सोचता है भाई उपसर्ग तो आगे जुड़ता है प्रत्यय पीछे जुड़ता है बस यही परिवर्तन होता है जबकि ऐसा नहीं है भाई मात्राओं में परिवर्तन होता है तो ये मात्रा में परिवर्तन होते थे पूरा की पूरा शब्द परिवर्तित हो जाता है तो ये आपके हमें प्रत्यय और उपसर्ग का पढ़ने से ये फायदा मिलता है ऐसा नहीं तो प्रत्यय क्या होते हैं भाई शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश विशेष प्रत्यय कहलाते हैं शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश शेद सर कहलाते हैं हम ये परिभाषा को याद कर लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं ऐसा नहीं चलेगा हमें पूरी चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी क्या कर रहे हो आप आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसकी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे और लाखों अभ्यर्थी में आप किस जगा रखते हैं वो आपको खुद तय करना है खुद कैसे चयन आप कर पाओगे उसका चयन आप खुद कर पाओगे ठीक है वो कैसे हो पाएगा नियमित अध्ययन क्रमपद अध्ययन के रूप से ही वो चयन आप कर पाओगे अपना आपकी खुद की तैयारी आप खुद कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वह नियमित रूप से अध्ययन करके ठीक है तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखता है अपसर्ग प्रत्यय ठीक है आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है जब भी ऐसे शब्द है ना त्रुटि है सत्य है असत्य है गलत है सही है ठीक है तो इनको क्या कर ले पहले हाईलाइट कर ले हाईलाइट कर ले तो हमारी नजरों में रहेगा उसने आवाज देकर पूछा आवाज भाई आपके आवाज शब्द में ही यहाँ पर गलती है आवाज नहीं होता आवाज होता है आवाज यानी आपके त्रुटी किसमें है इसमें है आवाज होता है ज़ भाई आपके पांच ग्रहित ध्वनिया मानी गई हैं, कितनी ध्वनिया मानी गई हैं, पांच कौन कौन सी का। आ, कौन कौन सी भाई क ग, और आपका प, ठीक है अब इनसे जो शब्द बनते हैं वो देख लेते हैं आपके कर्ज़ एक शब्द होता है आपके पास खाना खाना जो हम खाते हैं खाना यानी भोजन खाना यानी भोजन और एक खाना जो ये है एक खाना क्या है ये है नुकता वाला खाना नुकता वाला खाना यानी यहां आपके क्या लग रहा है नुकता लग रहा है तो ये क्या है आपके पास भोजन ठीक है तो इसका एक तो है बिना नुकते का तो यहाँ हम ग्रहित धोनिया देख रहे हैं कितनी होती हैं ग्रहित धोनिया ग्रहित धोनिया कितने होती हैं भाई पांच होती हैं क ख ग और आपके ज और फ एक तो खाना हो गया भोजन भोजन खाना आप अच्छी तरह जानते हो खाना यानी भोजन एक खाना क्या है स्थान इसका शादी अर्थ क्या है स्थान इसका क्या है भोजन ठीक है भोजन ठीक है इसी तरह ज ज अभी हमने देखा आवाज ठीक है एक शब्द होता है आपका जरा और एक होता है आपका जरा जरा यानी होता है आपकी वृद्धावस्था वृद्धावस्था बूढ़ा और जरा यानी थोड़ा थोड़ा फन फन क्या होता है एक फ होता है आपके ताप का फन और एक फन आएगा जो नुक्ता वाला होता है वो होता है आपका कला भाई क्या बढ़िया फन है इसमें क्या कला है इसमें और ऊपर वाले फन जो बिना नुकता है क्या है वो क्या है आपके पास सांप का जो फन होता है उसको बोलते हैं फन फैला फन के बैठा है कहते हैं ना पन? तो फन फैला के बैठा है तो भाई इन चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ग्रहित ध्वनिया आगत ध्वनिया कौन सी होती है तो ये क्या है आपके देखिए देखने में तो बहुत सरल लग रहा है कि कोई गलती नहीं होगी आवा उसने आवाज दे भाई अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसी चीजों को हल कैसे निकाल पाओगे आवाज अगर मान लीजिए इस शब्द में अगर मैं इस शब्द को ये इस तरह ये शब्द अगर इस तरह आ जाता तब भी बहुत सारे बच्चे इसको सही करके आते हैं। फिर भी ये गलत होता बहुत से बच्चे क्या करते हैं? अगर यहाँ पे दो गलतियां एक तो का डंडा नहीं लगा और एक जा में नुकता नहीं मेन जो है वो है आपका ये नुकता लगना मेन क्या है मेन क्या है नुकता लगना यानी ज क्या है आपके ग्रहित ध्वनिया है तो ग्रहित ध्वनियों के नीचे हमेशा क्या लगता है नुकते का प्रयोग होगा चलिए आगे आ जाते हैं हमारा उत्तर क्या है उत्तर ए होगा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न है हमारा चौदह दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए खेतों में मुड़मेड़ो से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग नहर कहलाते हैं नहीं भाई तो खेतों में खेतों में आप देखो ना छुट्टी से छोटे छोटे मेड़े मेडे बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं पर नाला नहीं नाली बिल्कुल नहीं नाली तो लंबी होती है ठीक है वो क्यारी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं क्या है? है। क्यारी क्यारी क्यों बनाते हैं क्योंकि वो पानी जो है वो बह नहीं वहीं की वहीं इकट्ठा रह सके छोटी छोटी बनाते हैं ना खेतों में तो वो क्या कहलाती है आपकी क्यारी कहलाती है आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर सही वर्तनी वाले शब्द का चैन प्रश्न संख्या आपकी पंद्रह सुपर्ण खा सुपर्ण खा इस शब्द को देखिए ऐसे देखिए अगर ये शब्द आपको यू भी दिखता है ये सुपर्ण खा ठीक है ये इस तरह समझी शब्द है तो ये संधि करने पर आपका ना तो बदलेगा राम और रह रा गया आपके राह यदि ऐसे रहेगा तब भी कोई गलती है। ना ना किस में बदल जाएगा आपके राम तो हमारा संधि शब्द है वो है आपका सुरप धन नखा सुरप धन नखा ना किस में परिवर्तित होगा आपका राम ना किस में परिवर्तित होगा राम क्यों हुआ यदि आपके ना के आसपास री क्या आ जाए बी क्या आए? आए? आए या फिर श तो संधि करने पर में परिवर्तित होगा न में परिवर्तित होगा ना ना में परिवर्तित होगा ना में परिवर्तित होगा रामे तो शब्द बनेगा आपके पास या तो शब्द को आप इस तरह ही लिख के छोड़ दो शुपर खा ठीक है भाई याद रखना इसका हलंत का शुपर्ण खा और आदि सवारी आदि सवारी को हमेशा ऊपर जाती है यानी आधा रा आधा रा कहा पहुंचा है ऊपर आधा रा कहा पहुंचा है ऊपर बहुत से बच्चे शुपर्ण खा को ये सही करेंगे बहुत बार गलती हो जाती है जो भाई पांच पांच साल तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की बड़े एग्जामों की एस, की तैयारी करते हैं भाई वर्तनी वर्तनी वाले शब्दों में, शब्दों में में संबंधी गलती कहीं होती ही है तो ऐसे शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि तो यदि आप पे संधि विच्छेद अच्छी तरह आएगा संधि से संबंधित आपने पढ़ रखे है तो आपके ये प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सुरप धन चुरप धन नखा तो ना क्यों बदला राम है और रा आपका विच्छेद मैंने ना करा रा गया ऊपर तो ये वाला जो शब्द है बहुत से बच्चे इसको सही करने की कोशिश करेंगे सुपर्ण नखा यानी इस शब्द को देखो अगर मैं इस तरह लिखती हूँ पहली बात तो पहली ही गलती क्या आ गई आपके छोटे ऊ की गलती आ गई छोटे ऊ की गलती आ गई या छोटा ऊ नहीं आएगा सुपर्ण में हमेशा बड़ा ऊ आता है तो अगर इस शब्द को मैं लिखूं तो ये भाई इस तरह आ रहा है यानी पा के बाद पा से पहले होगी तो ये शब्द इसलिए गलत है तो हां में आपके शुरप शुरप धन नखा शुरप धन नखा तो शब्द बनेगा आपके पास सुपर्ण खां उत्तर नंबर ए यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या हम सोलह सोलह कर रहे हैं चलिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है कोई त्रुटि है कोई त्रुटि है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो को, कोई त्रुटि नहीं है चुने कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन विलक्षण घटना है विलक्षण घटना है चलिए ए ऑप्शन जो दिया गया है उसमें दि दिया गया है दिखाई देने वाला दिखाई देना चलिए इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है कभी कभी आकाश में, में भी कोई त्रुटि नहीं है कोई त्रुटि नहीं है भाई त्रुटि तो है यहाँ पर किसमें है उल्का पतन एक विलक्षण उल्का पतन एक विलक्षण विलक्षण नहीं है ये उल्का पतन उल्का पिंड एक सामान्य घटना है विलक्षण नहीं है तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि किस में है ऑप्शन डी में ऑप्शन डी में हमारी क्या है कोई त्रुटि है तो विलक्षण घटना न होकर ये क्या है एक सामान्य घटना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए प्रश्न संख्या हम 17 पे हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो रेखांकित खंड को करना है यानी इस चलिए इस कार्य के भाई के नहीं आएगा इस कार्य में आएगा के इस कार्य में भाई कोई कार्य हो रहा है तो कार्य के नहीं कार्य में कार्य में रुकावट के लिए हमें खेद है कहते हैं ना कार्य में रुकावट के लिए खेद है तो मैं आएगा में इसके लिए आपके कारक संबंधी अशुद्धि है क्या है ये कारक संबंधी अशुद्धि कारक संबंधी अशुद्धि ठीक है ठीके? तो यहां पर के के स्थान पर क्या आएगा आपके में इस कार्य में ठीक है तो आपका हुआ उत्तर नंबर ए यहां पर सही माना जाएगा आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में रिक्त स्थान अठारह प्रश्न पर चल रहे हैं हम रिक्त स्थान को भरने के, हाँ, के लिए सबसे उपयुक्त विश्व का करें हाँ किसी स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है श्रम आवागमन आवागमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना आवागमन कहलाता है देखिए किसी इन जो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए होते हैं ना उनका पहले हमें अर्थ देखना होता है कि वो अर्थ हमारे रिक्त स्थान में उसकी भरपाई कर रहा है या नहीं ठीक है अब देखिए सफलता पाने के लिए कठोर आवागमन करना पड़ता है आवागमन तो नहीं क्या आना जाना पड़ता है नहीं आप एक स्थान पर बैठ के भी आप क्या कर सकते हैं कठोर परिश्रम कर सकते हैं अनुशासन भाई अनुशासन तो करना ही पड़ेगा अध्ययन अध्ययन भी करना पड़ेगा लेकिन अध्ययन इन सबके साथ क्या करना पड़ेगा आपको श्रम यदि आप पढ़ोगे नहीं मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम कैसे पाओगे तो सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता पड़ती है कठिन श्रम की आवश्यकता पड़ती है और सरकारी नौकरी का जो सपना आप देख रहे हो वो ऐसे ही नहीं मिल जाता उसके लिए कठोर मेहनत तो और परिश्रम करना ही पड़ेगा तभी वो साकार हो पाएगा सफलता पाने के लिए हमें क्या करना है कठोर श्रम करना है क्या करना है कठोर श्रम यानी एस एस जो अभी निकली है उसके लिए क्या करना है कमर कस लीजिए कह लिए कमर कस लीजिए तभी इस एस एस का जो पेपर है उसको आप क्लियर कर पाएंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भर जाते हैं चलिए प्रश्न संख्या हम उन्नीस कर रहे हैं दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजरते हैं चलिए उनका भतीजा महेश जी बता रहे अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं कोई त्रुटि नहीं है महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य लक्ष्य पर नजर रखते हैं भाई यहाँ पर आपकी जो गलती है ऑप्शन नंबर सी में होगी नजर नहीं होता नजर होता है अपने अपने लक्ष्य पर नजर यहाँ पे आपने देखा ग्रहित ध्वनि की गलती है यहाँ पर जा ना हो के क्या आएगा? आएगा क्या आएगा जा लक्ष्य पर नजर रखते हैं रखते हैं और एक गलती है रखते हैं नहीं रखता है क्या है रखता है देखिए महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं नहीं नजर रखता है तो यहाँ इन दोनों शब्दों पर गलती है उनका अपने लक्ष्य पर नजर रखता है उत्तर नंबर सी यहाँ पर सही होगा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या है हमारे पास बीस पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है भाई लोकोत्या मुहावरे एकल शब्द समानार्थी शब्द पर्यायवाची विलोम शब्द इनको तो यूं समझिए आप कंटस्थ कर लीजिए देखिए आप खुद ने अभी प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं तो वहां से आपके एक ही टॉपिक में से दो दो प्रश्न आ रहे हैं जैसे हमने पर्यायवाची एक आया पर्यायवाची और एक आया समानार्थी अब समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक ही चीज है लेकिन एक प्रश्न में क्या दे दिया समानार्थी बता दिया कि इसका समानार्थी बताओ और एक में क्या बता दिया मैं इसका पर्यायवाची बता अब बच्चा पढ़ने वाला तो सोच रहेगा ये तो अलग प्रश्न होगा जबकि समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक ही शब्द हैं विलोम और विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही नाम है तो इनको भी आपको याद रखना है व्याकरण में जब भी आप पढ़ रहे हो तो भाई आपकी जो प्रकरण दिया, दिया गया है आपका टॉपिक दिया गया है उसको आप ध्यान पूर्वक करो कि एक शब्द के दो मीन अर्थ तो नहीं आ रहे समानार्थी और आपका पर्यावरती दोनों एक शब्द है मुहावरे लोकोत्तिया। इनसे संबंधित आप देख रहे हैं दो दो प्रश्न लगभग आ ही रहे हैं तो पसीना पसीना होना यानी शर्मिंदा होना पसीना पसीना होना यानी शर्मिंदा होना आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर इक्कीस पर प्रश्न हल कर रहे हैं हम दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त कल्प का चयन करें देखिए जो आपके प्रश्न होता है यानी आपका जो एस एस का पेपर होगा उसमें आपका एक प्रश्न यानी वो गद्यांश या पद्यांश से संबंधित होगा उस गद्यांश और पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर उसका हल देना है और मैं नहीं मानती इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाएगा गद्दांश और पद्दांश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें से कोई भी प्रश्न गलती नहीं होगी क्योंकि हमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वो गद्दांश और पद्दांश को पढ़कर ही करनी है तो ध्यान पूर्वक पढ़े और तो पढ़ते पढ़ते उसके उत्तर लगाते जाए रेखांकित करते जाए आपके आंसर आपको सटीक आंसर मिल जाएगा ठीक है चलते हैं हम <coughs> भारत के गांव भारत के गांव शहरों के मरोरम स्थल है राज्य के मनोरम स्थल है या त्रिलोक के मनो भाई प्रकृति के किसके प्रकृति के मनोरम मनोरम स्थल है ठीक किस है किसके हैं प्रकृति के चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं वहां के निवासी वहां का निवासी प्रकृति की प्रकृति की गोद में किसमें गोद गोद में ही पल रहा है में ही पल रहा है परंतु परंतु शारीरिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति शारीरिक मानसिक या राजनीतिक भाई यहाँ पर आपकी आएगी आर्थिक आर्थिक दृष्टि से कोई भाई कोई राज्य है कोई जिला है वो आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न नहीं हो पा रहा है तो यहाँ क्या आएगा आपके आर्थिक अभी मैंने आपको बता दिया आर्थिक शब्द कैसे आएगा अर्थ मूल शब्द क्या है आपके पास अर्थ है अर्थ में क्या जोड़ा है इन्होंने एक प्रत्यय जोड़ा है एक प्रत्यय जुड़ते ही आ की ध्वनि आ में परिवर्तित हो गई तो ये शब्द बना आपके पास आर्थिक ठीक है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही अत्यंत ही क्या है दयनीय है क्या है दयनीय है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी आज के लिए इतना ही मुझे आशा है हमारे जो एस एस से संबंधित जो हम प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे है तो आप अपने लाइक या कमेंट के द्वारा अपनी भावनाओं को हमको व्यक्त कीजिए तब तभी ही हमारा जो नियमित रूप से जो अध्ययन और क्रमब चल रहा है वो आप तक पहुँचता रहेगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद